Hey guys, this is Vishal and welcome to Tuesday Technical Talk. Tuesday Technical Talk में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एकदम जबरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में। बट उससे पहले बता दूं कि हमारा वन ईयर कोचिंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, मतलब एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं और अगले महीने शुरू हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ एक साल जुड़ सको टू बिकम योर माइंडसेट कोच, अबंडेंस कोच, एनर्जी कोच, बिजनेस कोच, उसके साथ साथ ट्रेडिंग कोच एंड स्पिरिचुअलिटी कोच, जैसे हमने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप भी किया, जहाँ पे उनके सारे प्रोग्राम जो बेसिक से लेकर एडवांस तक है वो भी ट्रेड एंड मी प्रोग्राम में होते हैं। सो दैट यू वर्क ऑन माइंड, बॉडी एंड सोल टुगेदर। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोग्राम, नॉट ओनली अबाउट ट्रेडिंग। कुछ वीडियोज अभी आपने देखे होंगे, जो टेस्टिमोनियल वीडियोज है जो हमारे स्टूडेंट्स है वो अभी यूट्यूब पे लगे, आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे एंड इट विल इंस्पायर यू टू बिकम अ ट्रेडर। सो लेट्स गो बैक टू आज के टॉपिक पे, जबरदस्त ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे और वो है स्टॉक में आपको बताऊंगा। और मेरी डेली स्टॉक स्टोरीज जो लगती है रोज इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे, अगर आप चेक नहीं कर रहे हो तो मिस कर रहे हो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, रोज एक स्टॉक के बारे में बात करता हूँ मैं वहाँ पे। और आज जिस स्टॉक के बारे में बात की थी उसी को मैं आज ट्यूजडे टेक्निकल टॉक में करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये ब्रेकआउट को पहले समझना कैसे है। ये है मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस का स्टॉक है। अब इसको मैं पहले कैच में चेक करता हूँ ताकि बराबर से डेटा हमको पूरा देखने को मिले, फ्यूचर में भी है। अब आपको दिख रहा है डेली पे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी तीनों है। बट आज का सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान और गुरु मंत्र जो बोलते हैं नगेट, 10x नगेट, नीचे कमेंट में बताया कि आई एम अ 10x ट्रेडर, राइट? सब लोग टाइप करें आई एम अ 10x ट्रेडर। सो लेट्स सी दिस फ्रॉम द मंथली पर्सपेक्टिव, ओके? पहले हमेशा ग्रैंड फादर को देखना है और फिर फादर को देखना है, फिर सन को देखना है। सो दिस इज द टोटल चार्ट ऑफ मेट्रोपोलिस। सो पहले अगर कोई भी चार्ट में देखता हूँ तो शुरुआत जहाँ से सपोर्ट, एक तो शुरुआत अभी इनकी लेट हुई थी, अभी ये 2-3 साल पहले ही लिस्ट हुआ है। फिर एक बड़ी रेड कैंडल है, आपको दिख रहा है ये रेड कैंडल, राइट? वो एक सपोर्ट का जोन है, फिर दूसरा सपोर्ट का जोन यहाँ पे है। सो ये सारे सपोर्ट जोन है जो जहाँ से स्टॉक शुरू हुआ था, फिर बहुत ऊपर तक गया 3500 तक। कोविड में मेट्रोपोलिस आपको पता है ये सब वैक्सीन और वैक्सीनेशन और वो क्या बोलते थे टेस्ट करना है, कोविड टेस्ट एंड ऑल दैट, उसके वजह से और वापस सब नीचे की तरफ आया और एकदम बॉटम पे आके रुक गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या देखना है, विच इज RSI 40 पे सपोर्ट। 40 पे सपोर्ट मतलब ग्रैंड फादर पे सपोर्ट। अब कोई भी स्टॉक 40 मंथली को नहीं तोड़ेगा जब तक उस कंपनी में कोई स्कैम या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई घोटाला हो रहा है, या कोई बड़ा प्रॉब्लम लॉस हो गया, या आपको प्रोडक्ट ही बंद हो गया, या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, तो ग्रैंड फादर 40 टूटना बहुत मुश्किल है कोई भी स्टॉक के लिए। अगर होता है ऐसा नहीं, टाटा मोटर्स में भी टूटा था, जिंदाल स्टील में भी टूटा था, बट बहुत रेयरली टूटेगा, और टूटेगा मतलब वो स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है। अब ये 40 पे आया, अब 40 पे आके ये क्या कर रहा है? अब लास्ट अगर कुछ देखो यहाँ से लेके, मतलब दिस इज लाइक जून 2022, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, एक साल हो गया 12 महीने, और उसमें से भी लास्ट जो 5 महीने है, इफ यू सी इट इज अराउंड 40 और स्मॉल कैंडल्स। और ये जो महीना है जून का, जैसे हमने अभी थोड़े दिन पहले ये स्टॉक का एनालिसिस किया था टाटा कॉम, और मैंने बताया था कि बड़ी कैंडल हो सकती है वहां पे मंथली पे, और वो बहुत ही बड़ी हो चुकी है, अभी भी 20 तारीख है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5 और पांचों के हाई को क्रॉस कर चुका है आज के दिन में, राइट? सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग ब्रेकआउट। और अब छठा जो है लास्ट वाला विच इज द हाई, अगर कल परसों या कभी भी क्रॉस हो जाता है, जो है 1492, मतलब 1492, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो 5-6 महीने का हाई क्रॉस हो जाएगा, देन इट कैन गो अप टू ऑल द वे टू 1600-1700। सो दैट्स द मंथली चार्ट फॉर दिस मेट्रोपोलिस, और वॉल्यूम भी काफी ठीक ठाक हो रहे हैं। और आप देखोगे कि अभी यहाँ पे जून के महीने में अभी 20 दिन हुए हैं, मतलब 10 दिन बाकी है, और वॉल्यूम काफी इंटरेस्टिंग है, और 10 दिन में ये वॉल्यूम के भी ऊपर निकल जाएगा, राइट? सो दैट मीन्स वॉल्यूम, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम सब सही है। देन वी गो टू द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है क्या हो रही है, इफ यू सी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकआउट, स्क्वीज मतलब बैंड को स्क्वीज होके वहां से खुल रहा है, सो यू कैन सी दैट,
एंड यू सी दिस इज लाइक अ रेक्टेंगल. ये जो लास्ट चार पांच महीने का कंसोलिडेशन था उसमें से ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम, मोमेंटम अभी 60 के ऊपर नहीं गया लेकिन जाते जाते शायद और बढ़ जाए, तो वीकली स्क्वीज ब्रेकआउट, वॉलिटिलिटी ब्रेकआउट, और डेली वीकली और वॉल्यूम भी है और कैंडल पैटर्न भी. अब डेली पे जाते हैं और डेली का चार्ट देखते हैं. अब डेली जो चार्ट पे दिखेगा कि ये जो कंसोलिडेशन होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल पैटर्न, राइट. अगर RSI देखोगे जब बेरिश था वहां से इंप्रूवमेंट होने लगा है, ये 40 के नीचे जा रहा था, फिर 40 के थोड़ा सा और 40 पे सपोर्ट, रेंज शिफ्ट, राइट. रेंज शिफ्ट वाले मेरे ट्यूजडे टेक्निकल टॉक के वीडियोज आप देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. अगर आप नए भी हो तो भी ये सीरीज को अगर कंटिन्यूसली देखोगे तो आपको समझ में आएगा. और अब ये 60 के ऊपर जा रहा है, इनफैक्ट 70 के ऊपर निकल चुका है, और यू कैन सी द वॉल्यूम हियर. सो प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलिटिलिटी, डेली, वीकली, मंथली. मंथली पे 40 सपोर्ट मतलब वैल्यू बाइंग, डेली पे स्क्वीज ब्रेकआउट, वीकली पे स्क्वीज ब्रेकआउट मतलब मोमेंटम बाइंग. अगर हमको कभी भी शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो मोमेंटम और वॉलिटिलिटी का होना बहुत जरूरी है, जो इस स्टॉक में अभी दिखाई दे रहा है. तो आज का और कल का जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन सकती है. अगर मैं स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पैटर्न ट्रेड करता हूँ, पैटर्न्स के ऊपर मेरे अलग से ट्यूजडे टेक्निकल टॉक है, तो अगर सारे ट्यूजडे टेक्निकल टॉक देख लिए ना तो आपको बाकी कोई टेक्निकल एनालिसिस के कोर्सेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट. बट उसको दो बार तीन बार देखना पड़ेगा. जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री, मतलब जितनी बार रिपीट करोगे तब जाके दिमाग में कॉन्सेप्ट जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा. सो मेक श्योर यू रिपीट इट. और अगर ये रेक्टेंगल का टारगेट लिखते हैं तो जितना भी डेप्थ है उसका अगर ऊपर टारगेट निकालते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 200 रुपया है, विच इज अराउंड 1580. सो यहाँ से जब तक अब ब्रेकआउट हो चुका है वहां से अभी भी हमको 150-180 रुपए का टारगेट मिल सकता है. और स्टॉप लॉस वही रहेगा जो नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो जाता है, अगर ये ब्रेकआउट लेवल तो. सो ये जो जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी देख ली, जैसे एक फंडामेंटल एनालिस्ट उसकी पूरी बैलेंस शीट स्टडी करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टडी करता है, सारे रेशियोज को स्टडी करता है, और फिर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, प्रमोटर क्या कर रहा है. अभी हम आम आदमी के पास इतना टाइम, इतना नॉलेज और इतनी काबिलियत नहीं है, तो हम चार्ट को देख लेते हैं कि भाई चार्ट सब मंथली, वीकली, डेली, प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, सारी चीज़ें बराबर है तो मेरा स्टॉप लॉस सही है, टारगेट सही है, अब मैं इसको ट्रेड करूंगा. ये है पूरा का पूरा जिस्ट टू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, राइट. आई होप यू आर लर्निंग, राइट. सो दिस इज, इफ यू आर लाइकिंग लर्निंग, इफ यू आर वॉचिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, एवरी डे आई डिस्कस वन स्टॉक. 1 June से शुरू किया था, आज तक एक भी दिन मिस नहीं हुआ है. होपफुली जितना हो सके आप उसमें, और बहुत सारे टेक्निकल्स भी डिस्कस करता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे ऐसा कोई इंट्राडे ट्रेड्स नहीं है, पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स है, जैसे ये भी कोई इंट्राडे ट्रेड नहीं है, बट पूरी तरह से समझ के सीख के करोगे तो फायदा होगा, बिना वजह बिना नॉलेज के करोगे तो लॉस हो सकता है, जो या तो टेक्निकल या तो फंडामेंटल, राइट. दोनों में से एक करोगे तो आप कुछ काम कर रहे हो, धन का काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नहीं तो आप गैम्बल कर रहे हो, सट्टा कर रहे हो, स्पेकुलेशन कर रहे हो. और मेरा हमेशा से एक ही मकसद है, ये स्पेशलाइज नॉलेज है. स्पेशलाइज नॉलेज हमेशा वन कोच वन अप्रोच रहता है. जनरल नॉलेज होता है जैसे मोटिवेशन, गोल सेटिंग, आप 50 जन को सुनो, 50 जन की किताबें देखो, वीडियो देखो, ठीक है, बट कोई भी एक स्पेशलाइज स्किल सीखते हो तो वन कोच वन अप्रोच रखना चाहिए. अगर मेरी स्टाइल आपको पसंद नहीं है तो आप किसी और को फॉलो करो, फिर उसी को फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा. ये मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है क्योंकि ये गलतियां मैं कर चुका हूँ, राइट. सो अगेन आई होप यू गाइज आर लविंग दिस ट्यूजडे टेक्निकल टॉक. और अगर आपको जो भी सीखना है नीचे चैट में डालिए, नीचे कमेंट में डालिए. और मैंने बताया जिस दिन भी 10,000 लाइक्स हो गए उस दिन हम एक बड़ा गिव अवे करेंगे इंस्टाग्राम. और लास्ट के चार वीडियो जो अभी रिलीज हुए, इफ यू जस्ट आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट, जो लोग नए हैं, लास्ट के चार पांच वीडियो अगर आप फिर से देख लोगे, जैसे एक तो है बेस्ट जून स्टॉक, ये वाला काफी अच्छा कर रहा है, और ये है 10 दिन में 5 लाख, ये 6-figure ट्रेड, और मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी, ये भी इसके बाद जो स्टॉक डिस्कस किया था वो चला हमारे हिसाब से. जून बम्पर स्टॉक, यही दिन पे टाटा कॉम डिस्कस किया था 1 June को, और वो 1300 वाला 1600 हो गया. तो लास्ट के 10 वीडियो देख लोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप एक रिदम में आ जाओगे जो मैं बात कर रहा हूँ का, अगर कोई भी वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे. और अभी हमने 2 इंटरेस्टिंग केस स्टडीज रिलीज किए, एक स्पॉट बॉय टू स्पॉट स्पॉटलाइट, और ये वाला वीडियो जो सुपर पावर है, अगर ये देखोगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि कैसे हमारा ट्रेडरमी प्रोग्राम लोगों की जिंदगी बदल रहा है, राइट. एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट इट, गो टू दिस लिंक विच आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन, एंड दैट्स व्हाट इट इज.
नीचे कमेंट्स में मुझे लाइक्स 10,000 लाइक्स नीचे कमेंट में बताएं क्या सीख रहे हो, क्या अच्छा लगता है, क्या ट्रेड कर रहे हो कि नहीं, और ट्यूसडे टेक्निकल टॉक के बारे में भी बताइए तो हम और अच्छे ट्यूसडे टेक्निकल टॉक बना सकते हैं, राइट। एंड इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर 1 ईयर कोर्स, इट इज नॉट फेयर एवरीवन। मुझे पता है कि ये काफी लोग नहीं कर सकते, आइदर टाइम नहीं है, पैसा नहीं है या जरूरत नहीं है, बट ठीक है, आपको खाली ट्रेडिंग सीखना है तो ये चैनल काफी है, इतने सारे वीडियोस काफी है, बट एक लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ, वेल्थ, सारी तरह से, और एक पर्सनल कोच, बिजनेस कोच, माइंडसेट कोच और ट्रेडिंग कोच एक ही प्रोग्राम में चाहिए, तो देन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट इट इज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द वीकली मार्केट अपडेट ऑन सैटरडे। थैंक यू सो मच।